हाय फ्रेंड्स, दिस इज CA मयंक अगरवाल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू सेव टैक्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम कोई घर बेचते हैं तो उससे होने वाले कैपिटल गेन को हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमें एग्जेम्पशन मिल जाए उस टैक्स से। तो पहली बात तो ये कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होता है जो किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर होता है। तो व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जो भी एसेट एसएससी के द्वारा 36 महीनों से कम के लिए रखा गया है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। जो भी एसेट 36 महीने से ज़्यादा के लिए रखा गया है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैसे कैलकुलेट करा जाता है? सेल प्रोसीड्स माइनस सेल प्रोसीड्स में से क्या क्या लेस करा जाता है? कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। इसमें कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है आपकी। बस जैसे आपने कोई एसेट बेचा तो उसका खरीदने की मूल्य को और उसके बाद जो आपने कोई उसमें इम्प्रूवमेंट कराई है वो, और कोई अगर आपने कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग करी है जैसे कोई ब्रोकरेज पे करी है, आपने स्टैम्प ड्यूटी लगाई है, वो सब लेस करके आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल जाता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे जो गेन निकलता है ये आपके सेल प्राइस में से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज घटाते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट घटाते हैं और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कोई होती है तो वो भी घटा देते हैं। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कोई जो आपने एसेट बेची उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो उसकी सेल वैल्यू है और उसमें से लेस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी इंडेक्स्ड क्या होता है? इंडेक्स्ड का मतलब होता है कि जो आपने जिस वैल्यू पे कोई एसेट खरीदा उस वैल्यू को आज की डेट पे लेके आना। सपोज आपने कोई एसेट खरीदा था 3 साल पहले और आप उसकी वैल्यू आज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। इंडेक्सिंग बहुत ही ईजी टॉपिक है, कुछ इतना इसमें है नहीं, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। और फिर उसमें से लेस होता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट आपने सालों में बीच में कराई हो उसको भी हम आज की वैल्यू पे लेके आते हैं और फिर इससे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाता है। अब इसमें हमें एग्जेम्पशंस क्या क्या अवेलेबल है, तो हमें 3 सेक्शंस में अवेलेबल हैं एग्जेम्पशन, 54 में, 54F एंड 54EC। पहले 54 और 54F के बारे में चर्चा करेंगे, 54EC को मैं बाद में बताऊँगा। सेक्शन 54 कब अवेलेबल होता है? जब आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची हो और आप उसका पैसा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही लगाना चाहते हैं तो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलती है। 54F में एग्जेम्पशन कब मिलती है? जब आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है किसी भी एसेट पर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, अब वो किसी भी एसेट पर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी आपको कोई गेन हुआ है और आप उसका पैसा किसी हाउस प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं तो 54 और 54F में क्या डिफरेंस हुआ? 54 में है कि आप हाउस प्रॉपर्टी ही बेच के हाउस प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं, 54F में क्या है कोई भी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी आप उसको हाउस प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं, ये 54F है। दोनों सेक्शन में काफ़ी समानता है, बस एक छोटा सा चेंज है। तो उसमें कॉमन रिक्वायरमेंट दोनों ही क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक जो आपकी एग्जेम्पशन है वो किसी भी नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। जो भी आपने एसेट बेचा है उसका पैसा इन्वेस्ट कर देना, नए जो घर में आपको लगाना है वो घर आपको उस सेट के बेचे जाने से एक साल पहले और 2 साल बाद तक आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब जैसे आपने कोई एसेट बेचा सपोज 1 अप्रैल 2018 को, तो आप उससे 1 साल पहले या 2 साल बाद तक वो घर अपना उस घर खरीद सकते हैं। मतलब घर खरीद सकते हैं तो 1 साल पहले और 2 साल बाद है। अगर आपको घर बनवाना है तो जैसे कि 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आपको घर बनवाने चले हैं आप उस पैसे से, तो आप 3 साल के अंदर अंदर अपना घर बनवा सकते हैं। तो यहाँ सरकार ने रियायत दी है कि घर बनवाने के लिए आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, आप ये सोचते रह जाते हैं कि हम घर में लगाएं कहाँ लगाएं, पर आपको कैपिटल गेन हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में, किसी भी SBI बैंक या PNB बैंक में आप जमा कर सकते हैं। जो आपने प्रॉपर्टी सेल करी उसके 1 साल बाद या उस साल की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इन दोनों से पहले पहले ही आपको वो पैसा जमा करना है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। 5th पॉइंट क्या है कि एक ही हाउस प्रॉपर्टी खरीदी जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 हाउस प्रॉपर्टी खरीदी चारों के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी, एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पर हाँ, इस पर कुछ केस लॉज आए थे कि 2 घर बराबर बराबर हैं, उन्हें SSC एक ही घर ट्रीट करके चल रहा है तो उनको एक ही घर मान लिया जाएगा। 6th पॉइंट क्या है कि वो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कोई दुबई में फ्लैट खरीद लिया शाहरुख खान सर की तरह तो वो उस पर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब इन दोनों सेक्शनों में डिफरेंस क्या है? पहले सेक्शन 54 की बात करता हूँ। अगर 54 में एग्जेम्पशन लेनी है तो आपको सिर्फ कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना है। मतलब आपको अगर 100 रुपये कैपिटल गेन हुआ तो कैपिटल गेन ही आपको इन्वेस्ट करना है। अगर सारा का सारा कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं हुआ, 100 रुपये का आपको कैपिटल गेन हुआ और आपने 20 रुपये ही इन्वेस्ट करा तो 80 रुपये आपका टैक्सेबल ही रहेगा।
जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी या बनवाई थी वो आप 3 साल के अंदर आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी, तो आपको जो भी सारा एग्जेम्पशन हुआ था वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट लगता है स्लैब रेट से। 54F में सेल रिसीप्ट सारी आपको इन्वेस्ट करनी है, उसमें क्या था कैपिटल गेन इन्वेस्ट करने थे, पर इसमें आपको सेल रिसीट सारी इन्वेस्ट करनी है। और अगर सेल रिसीट्स आपकी सारी इन्वेस्ट नहीं हुई तो आपको जो कैपिटल गेन है वो प्रोपोर्शनेटली ही एग्जेम्प्ट करा जाएगा उसको। सेक्शन 54 में क्या था कि कैपिटल गेन इन्वेस्ट करो जितना उतना ही एग्जेम्प्शन मिल जाती है, पर 54F में क्या है कि आपने अगर सेल प्राइस अगर आपने सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया तो सारा का सारा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, सारा नहीं करा तो प्रोपोर्शनेटली ही आपको एग्जेम्प्शन मिलेगी। 100 रुपये का एसेट बेचा और 50 रुपये इन्वेस्ट करा तो 50% कैपिटल गेन का ही आपको एग्जेम्प्शन मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई एसेट जब बेच रहे हैं तो आपके दो घर एक घर पहले से ही है तो आपने दोबारा एक घर में इन्वेस्ट कर दिया तो एग्जेम्प्शन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए उस घर के जो आप घर बेच रहे हैं, उस घर के अलावा कोई घर आपका होना नहीं चाहिए 54F में। 4th पॉइंट क्या है कि अगर आप ये एग्जेम्प्शन आपकी रिवर्स कर दी जाएगी अगर आप वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं 3 साल के अंदर, या फिर अगर आप पर आपने कोई और प्रॉपर्टी खरीदी 2 साल के अंदर अंदर, तो भी आपको जो एग्जेम्प्शन है वो आपको टैक्स कर दी जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर। इसमें दोनों सेक्शनों में की पॉइंट्स क्या रिमेंबर करने के लिए, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कॉस्ट है जो सेल अमाउंट से ही कम है, सपोज कि 54F में आप इन्वेस्ट करके एग्जेम्प्शन लेना चाहते हैं पर जो आपने सेल प्राइस जो एसेट बेचा था वो 100 रुपये का था पर आप जो नया घर खरीद रहे हैं वो 80 रुपये का ही है, तो आप बाकी पैसे को कर सकते हैं किसी और सेक्शन में एग्जेम्पशन ले लो, 54EC में ले लो अभी जो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि प्रॉपर्टी जो है वो अपने ही नाम पे होनी चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं। हालांकि इस पे केस लॉ है कि अपनी वाइफ के नाम पे एसेट खरीदा हो तो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपने पैसे दे दिए हैं पर जो बिल्डर है उसने आपको अभी तक पोजेशन नहीं दिया है तब भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 54EC में एग्जेम्पशन मिलती है अगर आप को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है पर आप उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देते हैं स्पेसिफाइड एसेट्स, कुछ एसेट्स स्पेसिफाई करे हैं गवर्नमेंट ने, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट को जानना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट होते हैं मीन्स एनी बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और 5 साल इसकी अवधि कर दी जाएगी फाइनेंशियल ईयर 18-19 से, और ये बॉन्ड जो है वो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2000 के बाद ही इशू करे जाने चाहिए। कोई भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो आप 54EC में एग्जेम्पशन ले सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर इसको लेना होता है और इसमें 50 लाख की लिमिट है, और इसमें ये जो आपके स्पेसिफाइड एसेट हैं यानी बॉन्ड्स जो हैं आपके NHAI रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके आप अगर बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है 50 लाख तक। इस पर कुछ इंटरेस्ट रेट भी होता है वो आप गूगल करके जान सकते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।